हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे आरसीसीबी या ई कैसे टेस्ट करते हैं यानी कैसे चेक करते हैं यानी कैसे पता लगाते हैं वो सही है या ख़राब है चाहे न्यू हो या किसी भी कंपनी का हो अगर आप मार्केट से लेकर के आते हैं अपने घर पे लगाने के लिए या आप कहीं पे लगा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा आर सी सही है या ख़राब है उसे कैसे चेक करेंगे किस किस कंडीशन में उसे चेक किया जाता है किस कंडीशन को चेक किया जाता है कि उस कंडीशन में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या प्रॉपर तरह से सही है या खराब है जैसे जो ई एल होता है एक तो एम्पेयर होता है जो हमारे लोड के हिसाब से लगता है एक मिली एम्पियर होता है जो ट्रिपिंग रेटिंग होता है उसके हिसाब से लगाया जाता है कि जो हमारा ट्रिपिंग है वो हमारे बचाव के लिए जैसे कोई इंसान या ह्यूमन बॉडी है उसके हिसाब से लगाया जाता है तो कितने मिली एमपेयर का लगाना चाहिए हमारे घर में जिससे हमें किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो सुरक्षा पूरा तरह से दे अगर आप ये जानना चाहते हैं कोई भी एल सी बी आर सी कैसे लगाते हैं या कितने मिली एमपेयर का हमें घर पर लगाना चाहिए तो आप इस वीडियो को ए टू जेड कम्प्लीट पूरा ध्यान से देखिए सुनिए समझिए उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट सवाल होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दिस वीडियो इज बाय लॉक डील पे रिटेलर और भाइयों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है जैसे आप एक इलेक्ट्रिकल दुकानदार हैं डीलर्स या रिटेलर्स तो जैसे कि आप हर ब्रांड के प्रोडक्ट चाहते हैं पॉपुलर ब्रांड अच्छे ब्रांड की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बेस्ट प्राइस में जैसे कि इलेक्ट्रिकल में सोलर इन्वर्टर बैटरी हो गया लिप गार्ड लिप फास्ट कंपनी हो गया और यहाँ पे रिपब्लिक डे पे एक सेल चल रहा है जिसमें आपको 6 परसेंट डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे और 48 घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाएगा और यहाँ पे इनके फेसबुक पेज पे एक चल रहा है कॉन्टेस्ट उसका भी लाभ और फायदा जरूर उठाएं अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्सन में इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स है व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे कॉन्टेक्ट जरूर करें तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक आर है और इसके इनपुट आउटपुट में न्यूट्रल फेस दो दो वायर को हमने कनेक्शन कर दिया है ताकि हम आपको पावर सप्लाई देंगे और प्रॉपर तरह से यहाँ पे टेस्ट करके दिखलाएंगे कि किस कंडीशन में ट्रिप करता है और कैसे जाने ये सही है या ख़राब है ऊपर से हमारा इनपुट होगा नीचे से हमारा आउटपुट होगा अगर यहाँ पे डायग्राम आप देखेंगे तो डायग्राम में भी दिया गया है कि ऊपर से वन यानी फेस एन मतलब न्यूट्रल इनपुट हो जाएगा और नीचे से टू यानी टू का मतलब फेस आउट और एन का मतलब न्यूट्रल आउट और ये जो आर है ये हेवल्स कंपनी का है और ये हमारा पच्चीस एम्पेयर का है और सौ मिली एम्पेयर का है कैसे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए पच्चीस एम्पेयर तो लूट के हिसाब से हम लगाएंगे मिली एम्पेयर जो है वो ट्रिपिंग के हिसाब से जैसे ये सौ मिली एम्पेयर हो गया तीन सौ मिली एम्पेयर हो गया पाँच सौ मिली एम्पेयर हो गया तीस मिली एम्पियर हो गया तो घर पे कभी भी आप 30 मिली एम्पेयर का लगाएं क्योंकि 30 मिली एमपेयर अगर आप लगाते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बॉडी जो होता है 35 मिली एम्पेयर करेंट से ऊपर अगर आ जाए तो उस वक्त तो उसकी डेथ हो सकती है या कह सकते हैं वो मर सकता है लेकिन सौ मिली एमपेयर में आपका कंडीशन ये हो जाता है कि नहीं बच सकता है इंसान तो कभी भी घर के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो तीस मिली एमपेयर का ही लगाएँ लेकिन हमारे पास यहाँ पर सौ मिली एम्पेयर है और हमारे मार्केट में फिलहाल अभी तीस मिली मीटर का उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ ऐसे बहुत सारा वीडियो में हमने दिखाया हुआ है जहाँ पर भी लगाया हुआ है वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल में वो सब वीडियो अपलोड है अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा लिंक आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे इनपुट आउटपुट तो जैसे टू लिखा गया है ना टू का मतलब फेस हो गया एन का मतलब न्यूट्रल ये आउटपुट हो गया अगर इसके इनपुट में देखेंगे तो वन लिखा गया है वन का मतलब यहाँ पे फेस आपको इनपुट करना है इसके बगल में न्यूट्रल है एन यानी न्यूट्रल इनपुट करना है तो ये तो हो गया यहाँ पे इसके कनेक्शन इनपुट आउटपुट की अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके हम आपको दिखलाते हैं अब कैसे टेस्ट करें चाहे किसी भी कंपनी का हो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से सबसे पहले यहाँ पे इस वायर को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपस में टच नहीं हो ऐसे कभी भी टेस्टिंग किया जाता है तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीसियन नहीं है या ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप इस तरह से घर पर प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं करें क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है एक बोर्ड हमने लिया है और जो इनपुट हमारा वायर है इसमें टूप पिन टॉप है उस बोर्ड के अंदर हमने डाल दिया अब इस आर में हमारा पावर सप्लाई आ गया है ठीक है ये पावर सप्लाई आ गया है अब यहाँ पे हम टेस्ट करके आपको दिखलाएंगे सबसे पहले जो टेस्टिंग हम करेंगे इसमें जो बटन दिया गया है ट्रिपिंग का उससे स्टार्ट करेंगे तरीके बहुत हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम क्या टेस्ट करते हैं सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसे ऑन करते हैं उसके बाद जो ट्रिप टेस्ट का बटन है इसे हम दबाएँगे तो ये हमारा ट्रिप करेगा अब यहाँ पर देखिए ये ट्रिप कर गया यानी ये ट्रिपिंग टेस्टिंग पे ये सही तरह से काम कर रहा है अगर घर पे लगाते हैं आर या ई तो महीने में यानी वन मंथ में एक बार ज़रूर आपको टेस्ट कर लेना चाहिए और ट्रिपिंग कर देना चाहिए ताकि हमारा सही रहे क्योंकि ये ख़राब भी होता है तो एक ये तरीका हो गया कि ट्रिपिंग टेस्टिंग आप दबा करके चेक कर लेंगे अब दूसरा तरीका के लिए हम यहाँ पे एक सौ वर्ड का बल्ब लेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा सौ मिलियमपियर का यहाँ पे आर भी है रेटिंग तो हम यहाँ पे सौ वाट का बल्ब ले रहे हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई चेक कर रहे हैं अगर तीस मिली एमपियर का आपका आर भी है तो कोशिश कीजिए पच्चीस वाट या चालीस वाट का बल्ब ले और उससे चेक करें यहाँ पे तो हमारा पावर सप्लाई आ रहा है अब क्या करेंगे यहाँ पे ये यह फेस है फेस में एक वायर को टच कर लेंगे इसके आउटपुट में देखिए एक वायर को टच कर रहे हैं जो बल्ब होल्डर हम लिए हैं और इसके इनपुट न्यूट्रल है उसमें टच करेंगे तो यहाँ पर आर भी हमारा ट्रिप करेगा बल्ब हल्का सा ग्लो करके ऑफ हो जाएगा जी देखिए यहाँ पर ये ट्रिप कर गया फिर इसे ऑन करते हैं फिर यहाँ पर देख लीजिए ये ट्रिप कर जाएगा ट्रिप कर गया हल्का सा बल्ब ग्लो हुआ यानी पावर सप्लाई तो उसके अंदर है लेकिन वो रुका नहीं कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही ये ट्रिप कर जाता है तो यहाँ पे ये हो गया अब इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यूट्रल आउटपुट का लेंगे और इनपुट का फेस लेंगे और यहाँ पे हम टच करते हैं इस तरह से तो ये ट्रिप कर गया यानी अगर कोई थर्ड पार्टी यानी कह सकते हैं जो लीकेज हो जाए पावर सप्लाई यानी कहीं और से आप न्यूट्रल ले लिए इससे फेस ले लिए तो भी नहीं चलेगा या इससे आप न्यूट्रल ले लिए कहीं और से फेस ले लिए तो भी नहीं चलेगा और ये ई एल सी भी दोनों है अलग अलग भी ई एल सी आता है अब यहाँ पर चलिए एक टेस्टिंग और करते हैं ये अर्थिंग है हमारा अभी ये मेरे घर का ही है और मेरे घर में अभी कुछ काम चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ईट वगैरह दिखाई देगा तो ये जो अर्थिंग है मैंने बडी अर्थ यानी सेफ्टी के लिए बचाव के लिए हमने किया था बहुत दिन पहले बिल्कुल सिंपल एंड ईजी कम खर्च में चीप एंड बेस्ट है ये बहुत से लोगों ने बहुत तरह के कमेंट किए इससे मैं चाहूं तो लाइटिंग लोड भी चला सकता हूं लेकिन मुझे बडी अर्थ में इसे इस्तेमाल करना है और ये काफ़ी स्ट्रांग है, है किस तरह से इस अर्थिंग को मैंने किया था इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं अब चलिए यहाँ पर हम टेस्टिंग करके आपको दिखलाते हैं यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले ऑन करते हैं यहाँ पे आर को अब जो अर्थ वाला वायर है हमारा उस वायर को इसके फेस में टच करते हैं फेस में टच करेंगे तो हमारा ये ट्रिप कर गया लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा एम होता है वो भी ट्रिप करता है ठीक है लेकिन ये आर ट्रिप कर रहा है इसके न्यूट्रल से अगर ट्रिप कर जाए तब जाकर के हमारा जो आर है वो सही है कैसे अब चलिए यहाँ न्यूट्रल में हम टच करते हैं क्योंकि न्यूट्रल टू अर्थ पाँच वोल्ट या दस वोल्ट लास्ट होता है तो इससे जब ट्रिप कर जाए तो जाके यहाँ समझिए कि हमारा यहाँ पे आर भी सही है लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गया अभी बहुत से टेस्टिंग होते हैं ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग अर्थिंग है तब जाके ये ट्रिप कर रहा है हल्का अर्थिंग कहीं पे हो या कोई इंसान सट जाए या कोई भी ह्यूमन बॉडी सट जाए तो उस समय यानी वायर में टच कर जाए तो सेफ्टी हो उसके लिए बहुत सी टेस्टिंग जरूरी है अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि हमने एक रॉड लिया है लोहा का सरिया ये दो फीट से एक इंच कम है लगभग ये एकट आप कह सकते हैं तेईस इंच है हमने एक फीट पे एक टेप लगा दिया है अब इस एक फीट को हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे यानी ये मिट्टी है हमारा और मिट्टी पर ही आपको गाड़ना है और टेस्टिंग करना है और अर्थ कभी भी मिट्टी से प्रॉपर तरह से कनेक्ट होना चाहिए एक फीट हम टोटल यहाँ पर ज़मीन के अंदर डाल दिए ठीक है अब क्या करेंगे इसके अंदर एक वायर लेते हैं और वायर को यहाँ पे अच्छी तरह से इसके अंदर बांध देते हैं यानी इससे कनेक्ट कर लेते हैं अब यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे ऐसा नहीं है कि एक फीट ही करना है हम दो इंच पे भी टेस्ट करेंगे तब जाके ये प्रॉपर तरह से एकूरेट आपका होगा कि हाँ सही है अब यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूट्रल के साथ ही यहाँ पर टच कर देते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए ट्रिप कर गया सही है यानी एक फीट भी अर्थ मिल गया तो बहुत है अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं एमसीबी कहीं पे लगाते हैं तो एम से एक फीट पर अगर टच करेंगे तो थोड़ा देरी से वो ट्रिप करेगा क्योंकि हीटिंग जब तक नहीं होगा तब तक वो एम नहीं ट्रिप करेगा लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल से ही जब हमारा आर ट्रिप कर जा रहा है यानी सही है एक तो ये टेस्टिंग हो गया अब बल्ब के थ्रू भी चेक कर लेंगे यहाँ पे सेम जला करके कि कहीं से थोड़ा सा भी अर्थ मिल जाए जैसे क्या होता है घर में क्या करते हैं कि जो सीढ़ी होता है यानी चीना चढ़ते वक्त तो लोगों को करंट आता है यानी करंट लगता है क्यों क्योंकि फ़ैन बॉक्स या कॉन्ट बॉक्स में वायर की ज्वाइंट होती है और टेप लीकेज कर जाता है उस कंडीशन में उस समय अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो कैसे ट्रिप होगा यानी उस समय ये सावधान यानी बचाना तो हमें चाहिए सुरक्षा देना चाहिए इसलिए हमने दो इंच पर रोड को टेप लगा दिया और मात्र दो इंच ही हम डालेंगे जमीन के अंदर अब ये ट्रिप करता है तो सही है नहीं करता है तो ख़राब है किसी भी कंपनी का हो ये देखिए न्यूट्रल से ट्रिप कर गया फिर से तो दूर की बात यानी सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे हम बल्ब से भी चेक कर लेते हैं लेकिन ये हमारा पूरी तरह से कंफर्म हो गया जब दो इंच पे आपके न्यूट्रल से ट्रिप कर जाएगा और अर्थ से तो समझिए कि सही है ठीक है चाहे किसी भी कंपनी का हो ठीक है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका ई एल सी बी कैसे चेक करेगा अगर न्यू लेते हैं ख़राब है या सही है ये हमें प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा अगर बात करें यहाँ पे हाथ से टच करके वायर को चेक करके दिखलाइए तो ये 100 मिली पेयर है मैं हाथ से नहीं टच करने वाला हूँ 30 मिली पेयर रहता तो मैं टच कर जाता लेकिन मिली मिलियम्पियर भी ट्रिप कर जाता है लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है घर के लिए आप कभी भी मिली मिलियम्पियर का लगाएं एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें हाथ से मैंने टच करके दिखलाया था और मल्टीपल कुछ दो तीन ब्रांड का मैंने मिक्स करके टेस्टिंग प्रैक्टिकल मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल में उपलब्ध है बस उसमें मैंने क्या किया था जो हमारा आर सी सी होता है उसका फुल फॉर्म मैंने गलत बता दिया था उसके लिए सॉरी क्योंकि मैंने शॉर्टकॉट में गलत बोल दिया था लेकिन गलत गलत होता है यहाँ पे जो आर का फुल फॉर्म होता है वो हमारा रेजीडूअल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है और जो ई होता है उसका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर फुल फॉर्म होता है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किसी भी कंपनी का आप ई एल लेते हैं तो कैसे चेक वो सही है या खराब है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए